दद्दू यार अपना सिल्वर प्ले बटन नहीं आया अभी तक, आ जाएगा। लोगों के तो 1 लाख में आ जाते, अपने 3 लाख हो गए यार। अभी तो बात सही है। ओए हाँ सब्सक्राइबर होने के बाद काफी सारे लोगों ने ये लिखा, भैया लोगों के तो 1 लाख पे आ जाता है बट आपके सिल्वर प्ले बटन क्यों नहीं आया। तो गाइस फाइनली आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा जो सिल्वर प्ले बटन है वो आ गया। गाइस इस सिल्वर प्ले बटन को खोलने का जो मौका है हमारे फैमिली के सबसे बड़े मेंबर को दिया जाएगा, जो कि है हमारे सुपर स्टार दद्दू। मैं खोलूंगा। आप खोलोगे? हाँ मैं खोलूंगा। बैठो बैठो, चाकू लाओ चाकू लाओ चाकू लाओ, खोलो। और भाई एक चीज मैं बताऊं, इंडियंस हर जगह रॉक कर रहे हैं। नील मोहन जी यूट्यूब CEO, तो गाइस इंडिया के लिए क्लैप्स तो बनती है। गाइस कुछ इस तरीके का हमारा जो सिल्वर प्ले बटन वो है, और ये जो सिल्वर प्ले बटन है हमने हमारे सुपरस्टार दद्दू जी के नाम का मंगाया है। जो हमारा मेन चैनल है वीरेंद्र सिंह, उस चैनल का जो प्ले बटन है मैंने मेरे दद्दू के नाम से मंगाया है, क्योंकि भाई हम तो और चैनल खोल के और प्ले बटन मंगा लेंगे बट हमारे दद्दू का लिए पहला हक बनता है, तो दद्दू के नाम से प्ले बटन है। क्यों दद्दू? तो दद्दू कैसा लगा सिल्वर प्ले बटन आपको? बहुत बढ़िया लगा भैया मेरे को तो। तो गाइस यही नहीं, इसी के साथ साथ यूट्यूब ने हमारे लिए भैया एक और गिफ्ट भेजा है। तो गाइस इसके अंदर भी एक बहुत ही शानदार चीज है जो कि यूट्यूब की तरफ से ही आई है। बाकी इस चीज में क्या रखा है आप खुद ही गेस करो भाई, इतना बड़ा डब्बा है तो इसमें क्या होगा वो तो भैया वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, और जिसके लिए है ये उसको भी नहीं पता है, तो वही एक सस्पेंस है यार। और जो YouTube है हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे जो अवार्ड्स है वो बना के रखता है, तो भैया हमारे भी दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है अपन भी कुछ करें क्या यार? क्या करें? करना चाहिए कुछ, कुछ करना चाहिए यार, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये तो भैया एक दीवार में एक रूम में लगा रहेगा, हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो वर्ल्ड में किसी ने करा ना हो। फिर क्या गाइस, मैं और मेरी टीम लग गए यूट्यूब पे तबाही मचाने वाले आइडिया को ढूंढने में। I need to know everything. Who and the what and the where. I need everything. Trust me, I hear what you're saying. Idea. Like new what you're telling me. इस चीज को हम कुछ बड़े लेवल पे बनाने वाले। ओए, 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 आजा, 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 इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमने YouTube लिखा हुआ दिखा है? हाँ। कैसे लिखा रहता है? Guys, ये जो YouTube लिखा हुआ है ना, इसको अपन वैसा बनाएंगे जैसे I love अजमेर लिखा हुआ है। 3D के अंदर गाड़ी बना देंगे इसकी बहुत बड़ी सी। मतलब? चलता फिरता YouTube। क्या बात कर रहा है? हाँ नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? नहीं लो चलो 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 मैं बताता हूँ। तो गाइस मैं कुछ इस तरीके के यूट्यूब के लोगों की बात कर रहा हूँ, बस क्या होगा अगर इसके नीचे टायर लगा दे और इसे सड़क पे चलाएं। समझ गए ना आप क्या बनाने वाले? चले चलो। तो चलो गाइस अब अपनी YouTube वाली गाड़ी को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो गाइस गाड़ी की शुरुआत होगी YouTube के लोगो से। तो भैया जो लोगो है वो हम 5 फीट की हाइट रखेंगे और 7 फीट की लंबाई रखेंगे, जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर होएगा। तो टीम तैयार हो? तैयार है। चलो बिना किसी देरी के YouTube के लोगो को बनाते हैं। चलो Guys, कल मैं बस इतना से हुआ था, आज दूसरा दिन है, आज पूरा ये फ्रेम कंप्लीट करना है लोगो वाला। अभी तो ये सिर्फ एक लोगो का पार्ट बना है, अभी तो YouTube बनना बाकी है। फाइनली 2 से 3 घंटों की मेहनत के बाद अपना भाई बन के तैयार हुआ है। गाइस यार इधर हम हमारा प्रोजेक्ट कर रहे थे और भाई पीछे की तरफ एक खुशखबरी आने वाली है भैया कुछ ही टाइम के अंदर। गाइस इसे 5 मिनट भी नहीं हुए और ये बाहर घूम रहा फिर रहा है और मस्ती मार रहा है भाई साहब।
हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। और गाइस उसे ले जाने के लिए भैया हमें यहाँ पे दो पिकअपों की जरूरत पड़ रही है, हमने इसके अंदर लोड कर रखा है। भाई मुझे पता है आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उसे देखने के लिए, बट वो तो भैया लोकेशन पे जाके ही दिखाएंगे। चले चलो। तो गाइस आज सच में मजा आने वाला है। तो गाइस फाइनली हम हमारी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अब बारी है हमारी इस गाड़ी को असेंबल करने की। तो लौंडो लग जाओ लग जाओ लग जाओ लग जाओ। गाइस यार हमारे इस गिफ्ट को भी खोलना बाकी है, याद है ना। गाइस फाइनली हमारी यूट्यूब वाली गाड़ी असेंबल होके तैयार हो चुकी है और सच में वो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। तो दद्दू आ रहा हूँ भैया गाड़ी लेके। अरे गाइस तो हमारी गाड़ी आ रही है, दद्दू लेके आ रहे हैं हमारी यूट्यूब वाली गाड़ी को। एक बार देखो इसे, है ना बहुत ही शानदार। तो गाइस है ना सच में ऑसम, ऐसी चीज आपने भैया वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं देखी होगी। ये तो भैया इस चीज का दावा मैं करता हूँ आपको, क्योंकि भाई ये है ही नहीं, ये सबसे यूनिक चीज है। देखो गाइस हमने यहाँ पे पूरी की पूरी एक हीरो होंडा को फिट कर रखा है, जो कि भाई इसको खींच रही है। और जगह जगह पे हमने इसके ये छोटे छोटे टायर, जो कि स्कूटी के टायर होते हैं, स्कूटी स्कूटर के टायर होते हैं, वो हमने फिट करे हैं। और एक खास बात और है इसके अंदर, हमने पूरे के पूरे लोगों के अंदर लाइट्स फिट कर रखी हैं। ये जो वायर्स हैं पूरे लाइट्स के वायर हैं। रात को तो ये चीज़ है ना बहुत ही खतरनाक नेक्स्ट लेवल दिखने वाली है। तो भैया वो चीज़ तो हम आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे कि रात को ये कैसी लगती है, बाकी अभी तो भाई सच में ये ऑसम है। अब एक काम करते हैं, इसे चला के दिखाता हूँ और अंदर का एक्सपीरियंस देते हैं यार। तो गाइस अभी मैं अंदर हूँ यूट्यूब वाली गाड़ी के और ये अभी मेन स्टैंड पे खड़ी है, तो फटाक से इसे उतारते हैं और चलाते हैं। ये होगी अपनी हीरो होंडा सदाबहार गाड़ी तैयार, और गियर लगाना है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भाई ये लहरा रही है बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से, ये गाड़ी लहरा रही है हमारी।
और हवा का झोंका भी है ना, इसे हिलने पे मजबूर कर दे रहा है। ये आप लोगों के लिए, जब भी आप हमारे घर आएंगे या फिर हमसे मिलने आएंगे तो भैया ये आपके लिए हमेशा वहाँ पे रहेगा। आप आए इसके साथ सेल्फी खींचे, फोटो खींचे और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट करें। और भाई इससे हमें भैया बहुत ही खुशी होगी। क्यों भाई? आ जाओ। तो गाइज ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता अगर मेरी टीम यहाँ पे नहीं होती। एक बंदा और है भाई, उसके चोट लग गई है गाड़ी को चलाते चलाते। आप सोच रहे हो इतना आसान है इसे चलाना, इतना आसान नहीं है। उसे चलाते चलाते चोट लग गई है, तो भैया अभी वो गए हैं हॉस्पिटल। बाकी तो बहुत ही अच्छा अपना प्रोजेक्ट बन गया है, चल रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और गिफ्ट है। लेके आओ यार। दादा एक और गिफ्ट आया हुआ है यूट्यूब की तरफ से। इसे कौन खोलेगा? दद्दू आ जाओ, दद्दू आ जाओ, आपके बिना गिफ्ट कैसे खुलेगा। तो दद्दू तैयार हो खोलने के लिए गिफ्ट को? आप तैयार हो भैया? अरे खोलो दद्दू यार, ऐसे ढीले पड़ोगे आप। खोल दिया। क्या है दद्दू? अरे गिफ्ट है ये तो। ओ भाई ये देखो गाइस, ये खुल गया। तो गाइस एक वीडियो के अंदर दो दो सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। टन टन गाइस, अब बताओ ये किसके नाम का होगा? अभी रिवील करते हैं इन 3, 2, 1 टन टन। तो गाइस ये सिल्वर प्ले बटन हमारे भूपेंद्र भाई का है। गाइस यही होती है फैमिली और साथ में ग्रो करने का एक सिग्नल। भाई हम बहुत हैप्पी हैं साथ में काम करके। क्यों दद्दू? हाँ खुश हो ना आप? बहुत खुश हूं। आपको हम परेशान तो नहीं करते ना दद्दू? कोई परेशान नहीं करते हमको। हाँ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमने काफी ज्यादा देखो भाई अपना सिल्वर प्ले बटन अपना होता है, दिल की हार्ट बीट धक 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 हो चुकी है। वाह यार मजा आ गया। मजा तो आया ना? अरे मस्त है, बता रहा हूँ, पता ही नहीं था गाइस, हमने सस्पेंस रखा था इस चीज को। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद लगेगी। हम मिलते हैं आपको ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी हमारी टीम के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए जो मेहनत लगी उसके लिए एक लाइक तो बनता है। टिल देन पीस आउट, बाय बाय। तो गाइस फाइनली अंधेरा हो चुका है और अब बारी है हमारी यूट्यूब वाली गाड़ी की लाइट्स ऑन करने की, क्योंकि भाई असली मजा तो भैया नाइट के अंदर ही है। तो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 Everybody get down when we give it to you. Everybody feel it, come around with the rhythm. This is sound. Everybody get down when we